हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास आई है मारुति सुजुकी की सेलेरियो। इस गाड़ी में क्या हुआ है कि इस गाड़ी का जो है कि इंजन सीज हो गया है, ऑयल फिल्टर नीचे से टकरा गया। मैं आपको दिखाता हूँ, बता दो भाई। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ऑयल फिल्टर है यहाँ नीचे से जो है कि फूट गया था, ये घिसा हुआ है यहाँ से। यहाँ से घिसाने के कारण इसके अंदर से इंजन ऑयल जो है सारा बह चुका है। देखिए सारा ऑयल बाहर निकल चुका है और क्या करा कस्टमर ने जो है कि गाड़ी चला दी तो ये इंजन सीज हो गया है। सेल्फ वगैरह कुछ भी नहीं ले रहा है, जाम हो गया है। तो इसमें क्या क्या ख़राब हुआ है हम आपको आगे खोल के बताएंगे। हम इसको खोल रहे हैं, और ऑयलिंग चालू है, देख सकते हैं ऑयल फिल्टर में मार पड़ी है। ये यहाँ पर सारी दूर आइल आइल हो गया। हम इसको खोलते हैं और सीजिंग पॉइंट जो भी है आपको दिखाएंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी की वायरिंग वगैरह सब हमने बाहर कर दी है, कूलेंट पाइप वगैरह भी निकाल दिए हैं, गाड़ी का डेबिट कवर वगैरह भी खोल दिया है, गाड़ी के सामने से बम्पर वगैरह भी निकाल दिया है, गाड़ी की ओवरऑलिंग बिल्कुल चालू है। वो ही अम्मी जी घर खोलना बोल सामने जो वाला। गाड़ी के अंदर ऊपर आइल आई नहीं, अगर गाड़ी में आइल ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, आइल चलता है इसके हेड में तो आइल यहाँ पर पड़ा हुआ रहता बिल्कुल, क्योंकि आइल ढुल गया था ना इसका। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इंजन हमने पूरी तरीके से फ्री कर लिया, सामने से रेटर वगैरह भी हटा दिए। अब इसका फाउंडेशन जो है ये नीचे वाला ये भी खोल दिया है, ये फाउंडेशन खोलना बाकी है और फिर इंजन को बाहर लेकर के आएंगे। कंडीशन ये बाकी, जैसे कि आप देख सकते हैं इंजन हमारा भार आ चुका है और अब हम इसको बिखेरेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी का जो है कि ब्लॉक टूट गया है, बारह नंबर का छोटा। गाड़ी बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में सेट हुई है। देखिए बोलना का सर बिल्कुल है ना। देख देख आराम से वो गिर गए, देख वो गिर गए, देख दो लाइट कोई ये पत्रा भी खोलो, पत्रा भी ये पत्रा भी फट गया है यहाँ से, ये टूटा लो, ये अंदर से ये पीस जो इसके कनेक्टिंग भी की मोबाइल से नहीं हुआ, इसी से हुआ है। ये सीज होने के कारण पतरा होगा, कहीं का ये टूटा, ये पतरा नहीं है, ये बेयरिंग का है। अच्छा बेयरिंग, हां ये कनेक्टिंग बिगिंग है। ये कंडीशन है, ब्लॉक फट गया, ये ब्लॉक टूटा है कनेक्टिंग की वजह से, कनेक्टिंग जो है सब टूट गया इनने तो अंदर से। ये इसका बकेट है कनेक्टिंग का, केप ये नहीं बचा, उठा लो, फटी गया मतलब ब्लॉक, उधर से फूट गया नहीं वो, उठा लो ये कनेक्टिंग का गैप है और ये अंदर कनेक्टिंग है, ये कनेक्टिंग भी बेंड हो गया था, पूरा टूट गया है और ये यहाँ पे लगा ब्लॉक में छेद हो गया उसके अंदर। और एक ही है ना दो, एक तो उधर निकाला बैरिंग क्या है, वो तो बैरिंग इसमें से रहता है ना, वो पड़ा है अंदर और ये इतना बड़ा होल हो गया है ना, इतना बड़ा होल हो गया इसके अंदर। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन आपके सामने है, इसका ऑयल फिल्टर फूटा, ऑयल फिल्टर फूटने के बाद इसके अंदर से जो है कि ऑयल सारा बह गया और ऑयल सारा बहने के बाद गाड़ी के अंदर जो है मीटर पे ऑयल का इंडिकेशन आता है, वो ऑयल का इंडिकेशन का भी ध्यान नहीं रखा, इसलिए कहते हैं गाड़ी चलाते समय गाड़ी के मीटर के ऊपर भी ध्यान होना चाहिए ताकि ऑयल ख़त्म हो या फिर गाड़ी ओवर हीट हो, पानी ख़त्म हो, तो हर चीज़ के लिए इंडिकेशन दिया होता है। अगर अपन मीटर पर ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा और ये कंडीशन हो जाएगी। तो ऑयल का इंडिकेशन भी देते हैं और टेम्परेचर का भी देते हैं, इसलिए गाड़ी को जो है कि मीटर पे देखते हुए चलाना चाहिए।
हर थोड़ी देर में मीटर पे देखते रहना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो गाड़ी को बंद करो और उस चीज़ को चेक करो, और कम से कम नीचे घुस के तो देख ही लो नीचे झाँक के कि कहीं से कुछ टपक तो नहीं रहा, वरना ये कंडीशन होगी। इसके ऊपर जो है ये एग्जास्ट की गेम है, इसके ऊपर एग्जास्ट के नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। ये ई एग्जास्ट नंबर 2 और एरो आएगा इसका टाइमिंग साइड, ये देख सकते हैं। ये एग्जास्ट का 3 नंबर, एग्जास्ट का 4, और ये इंटेक का आई बंडा हुआ है इसके ऊपर, देख सकते हैं। ये इंटेक का आई, ये हो गया एक, ये इंटेक का आई का 2, और ये हो गई टाइमिंग का एरो, टाइमिंग की साइड केप का, ये भी देख सकते हैं आप। ये 3 हो गया इंटेक का, ये 4, इस प्रकार लगते हैं।